वेलकम टू पूनम की रसोई। आज हम बनाएंगे ये स्ट्रीट स्टाइल वेज चाउमीन घर पर ही। ये बहुत आसानी से और स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें। नूडल्स बॉईल करने के लिए एक बर्तन में 1.5 लीटर पानी ले लिया है। हाई फ्लेम पे पानी गर्म कर लेंगे। इसमें एक छोटा चम्मच नमक और एक बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे, जिससे कि नूडल्स आपस में ना चिपके। मैंने 150 ग्राम नूडल्स लिया है। जब पानी तेज़ गर्म हो जाए तो बिना तोड़े ही नूडल्स को इस तरह से डाल देंगे। मार्केट में ये नूडल्स ईजिली मिल जाता है। नूडल्स को हमें 80% तक पका लेना है। हाई फ्लेम पे ही 3 से 4 मिनट पका लेंगे। देखिए, एक नूडल चेक करके देख लेते हैं। हमें जितना पकाना था उतना ये पक चुका है। बाकी आगे पक जाएगा, फ्लेम ऑफ करके इसे ड्रेन कर लेते हैं। इस तरह की या कोई भी छन्नी में आप इसका पानी निकाल लीजिए। अब इस पे हम ठंडा पानी डाल देंगे, या आप इसे टेप के नीचे रखकर रनिंग वाटर में वॉश कर लीजिए। इससे इसका कुकिंग प्रोसेस यहीं रुक जाएगा, नूडल्स और नहीं पकेंगे। अब इसे साइड में रख देते हैं। चाउमीन बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज का प्याज इस तरह से काट लिया है, एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च और मीडियम साइज का गाजर को भी इस तरह से काट लेंगे। 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ली हैं, जिन्हें बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्च को भी इस तरह से काट लेंगे। तो चलिए चाउमीन के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल के मिला लेंगे। इसे भी साइड में रख देते हैं। गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर 2 बड़े चम्मच तेल डाल लिया है। अब इसमें लहसुन डाल देंगे। 4-5 सेकंड फ्राई कर हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसमें प्याज डालकर फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे ही प्याज को हमें 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। अब इसमें गाजर और शिमला मिर्च भी डाल देंगे। आप इसमें पत्ता गोभी या कोई और वेज भी डाल सकते हैं। हमारे घर में पत्ता गोभी नहीं खाते हैं, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। वेजिटेबल्स को हमें ज़्यादा पकाकर सॉफ्ट नहीं करना है। चाउमीन में वेज क्रंची ही अच्छे लगते हैं। ये सारा प्रोसेस हम हाई फ्लेम पे ही करेंगे। देखिए, इतना ही पकाना है। अब फ्लेम लो करके इसमें 1 बड़ा चम्मच वाइट विनेगर, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, ये डार्क सोया सॉस है इसलिए 1 छोटा चम्मच ही डाल रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच रेड चिल्ली सॉस, 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस, 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप डाल देंगे। हाई फ्लेम पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नूडल्स डाल देते हैं। अब ऊपर से जो हमने मसाला तैयार किया था वो भी डाल देंगे। ये चाउमीन मसाला आपको मार्केट से भी मिल जाएगा, या आप इस तरह से बना के डाल सकते हैं। हाई फ्लेम पे ही मिक्स करेंगे। यहाँ अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देना है, क्योंकि हमने नूडल्स बॉईल करते समय भी नमक डाला था। हाई फ्लेम पे ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, लग रहे हैं ना मार्केट की तरह यम्मी नूडल्स। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। प्लेट आउट कर लेते हैं। चाउमीन तो सबको खाना खूब पसंद होता है। आपका जब भी चाउमीन खाने का मन करे तो बाहर क्यों जाना, घर पे ही बनाइए टेस्टी चाउमीन और इन्जॉय करें। थैंक यू।